Dr. Divya and welcome once again to all new season of Beauty Mantra. दोस्तों जब हम खूबसूरती की बात करते हैं तो सबसे पहला शब्द जो हमारे जहन में आता है वो है स्किन यानी कि हमारी त्वचा. बट कंप्लीट ब्यूटी के लिए एक कंप्लीट ब्यूटीफुल बॉडी होना बहुत ज़रूरी है. एक कंप्लीट ब्यूटीफुल बॉडी के साथ में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं. वी हैव स्ट्रेच मार्क्स, वी हैव टैनिंग मार्क्स और यही नहीं हमारी जो बॉडी है उसमें सेल्यूलाइट डिपॉजिट हो जाता है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है वो खूबसूरत नहीं लगता, अगली लगने लगता है. क्या इसके लिए हमारे पास कोई ट्रीटमेंट है? क्या इसका कोई सोल्यूशन मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट मोहित नारंग जी से. वेलकम मोहित, वेलकम टू द शो. थैंक यू दिव्या. मोहित, बॉडी नीड टू बी ब्यूटीफुल, वी ऑल नो दैट थिंग, ऑफ कोर्स, बट बॉडी हैज वेरियस इश्यूज लाइक सेल्यूलाइट, स्ट्रेच मार्क, टैनिंग और आज की डेट में एक कॉमन ट्रीटमेंट जो लोगों को मालूम है वो है बॉडी पॉलिशिंग. इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दिव्या? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे स्पेशली इन इंडिया हम लोग बहुत बॉडी को निग्लेक्ट करते हैं. करेक्ट. अगर आप कभी भी देखें, आप हमेशा कहते हैं हम फेशियल कराने जा रहे हैं और धीरे धीरे आपको दिखता है कि आपका फेस इज यंग एंड ब्यूटीफुल बट आपकी बॉडी आपके फेस को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है. इट्स अ मिसमैच काइंड ऑफ, इट इज डेफिनेटली अ मिसमैच. अगर हम फेस से नीचे चलना शुरू करें तो सबसे पहले नेक इश्यूज. नेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इंडिया में, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज वीमेन लाइक टू वेयर ज्वेलरी एंड ऑल द अटेंशन इज ड्रॉन टुवर्ड्स द नेक. Correct. तो एक नेक ट्रीटमेंट आप देखते हैं एज के साथ डीप लाइंस आ जाती है नेक पे, क्रीसेस आ जाते हैं. Correct. उन क्रीसेस को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं आजकल यूरोपियन मार्केट में. उसके बाद डेकोलेट एरिया, अगेन काफ़ी टाइम में ऐसा लगता है कि हमारी जो संस्कृति के हिसाब से हम लोग साड़ी बहुत पहनते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में दे वेयर लो नेक एंड डीप नेक, बट हमारी कहीं ना कहीं साड़ी में भी ब्लाउजेज में भी हमारा डेक एरिया काफी रिवील होता है. राइट. सो डेक ट्रीटमेंट्स अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट. बैक ट्रीटमेंट्स, बहुत टाइम से टैनिंग हो जाता है आपको, सो बैक ट्रीटमेंट्स अगेन, बॉडी पॉलिशिंग का आपने जिक्र किया, सो बैक पॉलिशिंग इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देन हैंड एंड फुट ट्रीटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेच मार्क ट्रीटमेंट्स, दे आर ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट पार्ट. स्ट्रेच मार्क से काफी लोग परेशान हैं. उसके बाद बात की जाए तो सेलुलाइट की, स्पॉट रिडक्शन की, आप देखते हैं विमेन में दिस एरिया द चिकन विंग एरिया बिकम्स वेरी वेरी बल्जी और यहाँ पे सेलुलाइट डिपॉजिट हो जाता है. हमारे बटॉक्स एरिया में काफी सेलुलाइट इश्यूज देखे जाते हैं. सो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ. बिकिनी लाइन्स, अंडरवेयर बैंड पे आप देखते हैं स्किन डार्क हो जाता है. देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन. और मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, देर आर बॉडी पॉलिशिंग ट्रीटमेंट्स, there are body peel treatments, there are microdermabrasion treatments for body, there is firming treatments for body, there are stretch mark treatments. तो बहुत से ऐसे treatments हैं दिव्या जो हमारे viewers करवा सकते हैं. अगर आप जरा सा ध्यान दें तो आपका फेस और आपकी बॉडी दोनों बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. आई थिंक मोहित आपने एकदम टारगेट जो एरियाज हैं उनके बारे में डिस्कस किया. हम पब्लिक में गए और हमने उनसे पूछा कि उनका टारगेट प्रॉब्लम क्या है रिलेटेड टू देयर बॉडी. सो लेट्स हैव अ लुक. यस, आई डोंट नीड टू डू अ लिपोसक्शन और एनीथिंग टू रिड्यूस माय बेली और समथिंग लाइक दैट. स्क्रैचेस जब हो जाते हैं तो उस टाइम ये सोचते हैं कि हम लोग ये करवा ले तो टाइटनेस करवा ले तो हम लोग को ये नेचुरल ब्यूटी अच्छा लगेगा, ये नेचुरल अच्छा लगेगा, बस वही सोचते हैं सर. हाँ, स्पॉट्स के लिए और अनवांटेड बॉडी फेशियल है तो इट इज़ वेरी यूजफुल. हाँ, क्योंकि पेट पर और थाइस पर मास चढ़ जाता है थोड़ी उम्र हो जाए तो मैं चाहती हूँ अगर ये घट जाए तो फिर दोबारा स्मार्ट दिखेंगे, अच्छे लगेंगे. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज इन योर बॉडी देन यू कैन यूज कॉस्मेटिक सर्जरी, बट व्हाट यू हैव नेचुरल इन योर बॉडी फॉर दैट यू शुड नॉट यूज कॉस्मेटिक सर्जरी. आई थिंक अ मैन वुड प्रीफर लाइक टमी इज इन अ प्रॉपर शेप एंड ऑल. हमारे घर की लेडीज ने जो करवाई उसमें हल्के से स्पॉट्स से और वो बड़े मजे से छुप जाते हैं मेकअप के नीचे. पीपल दे रियली अनहैप्पी, दे लुक इन द मिरर, दे फील मेंटली, दे गेट अ डिप्रेशन, सो देन दे कैन चेंज इट इफ दे लाइक. Have a little weight put up in my body, but then I don't want to go through cosmetic surgery to avoid this. It's okay with me. No one is ever satisfied with their looks and physique or whatever.
मोहित, आई थिंक बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे हमने पहले भी मेंशन किया, पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर स्ट्रेच मार्क्स, पीपल आर नॉट हैप्पी विद द यू नो देयर बटक्स, देयर थाइस, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलुलाइट डिपॉजिट हो चुका है, देन टमी टक्स, स्पॉट रिडक्शंस की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बात हुई कि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर वेट. तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स किस तरह से टैकल किए जा सकते हैं? दिव्या, अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए. मैं यहाँ पे एक ऐसा ट्रीटमेंट का जिक्र करना चाहूँगा. हमने काफ़ी स्टडी किया और एक फ्रेंच एल्गी के ऊपर रिसर्च करा. फ्रेंच सी में जो एल्गी अवेलेबल है उसमें कुछ 18 काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स पाए गए और उस एल्गी को लेके कुछ बॉडी रैप्स प्रिपेयर किए गए. बॉडी रैप्स का एक बहुत ही अच्छा रिचुअल है जिसमें बॉडी को पील किया जाता है. तो आपका जितना डेड स्किन है, हम बहुत टाइम देखते हैं कि हमने पीलिंग रिजीम फेस की बात करी. Correct. तो क्या हमारी बॉडी पे एक पीलिंग रिजीम नहीं होना चाहिए? डोंट यू थिंक कि हमारी बॉडी पे भी एक डेड स्किन एक्यूमुलेशन रहता है, राइट? एंड रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप सुबह उठ के नहाते हैं, इट इज़ नॉट इनफ, राइट? तो एक पीलिंग रिजीम बॉडी के लिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट. एक स्पेशल तरीके के शावर जेल्स जो यूरोपियन मार्केट में मिल रहे हैं, दोज आर मैन्युफैक्चर्ड विद लेमन एसिड. नाउ लेमन एसिड इज कीपिंग योर बॉडी क्लीन एट लार्ज एंड ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ स्ट्रेच मार्क्स. स्ट्रेच मार्क्स को लाइट करता है. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स फॉर द बॉडी, बट ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसे थालामरीन का नाम दिया गया है. थालामरीन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो सी से डिराइव किया जाता है, जिसमें बहुत अच्छे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी के लिए, जिसमें एक बहुत ही अच्छा पीलिंग रिचुअल है और बहुत अच्छे बॉडी रैप प्रोग्राम है, जिससे आपकी बॉडी इज लेफ्ट विद सॉफ्ट, सपल, नरिश्ड एंड अ ब्यूटीफुल टेक्सचर. मोहित, ये तो बात हो गई बॉडी रैप्स के बारे में, बट एक और प्रॉब्लमैटिक जो एरिया है वो है हाथ और पांव, यानी कि आवर हैंड्स एंड आवर लेग्स, इवन दे नीड टू लुक रियली प्रिटी. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिव्या, दो चीज़ें हैं. एक तो होती है प्रॉब्लमैटिक, जैसे हम लोग टेलीविजन पे ऐड देखते हैं और बोलते हैं कटी और फटी एड़ियाँ, और उनके लिए हम एक रिजीम है. बट हम लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ हाथ पे टैनिंग है, जिनके हाथों पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन की अक्यूमुलेशन है, पाँव पे है. बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू नेसेसरली डोंट नीड टू गो टू अ सलून और अ क्लिनिक. बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक प्रोडक्ट वी केम अक्रॉस, दैट वॉज द हैंड एंड फुट ग्लव्स. एक स्पेशल तरीके के ग्लव्स हैं जिनके अंदर अगर आप हाथ डालें, इट इज़ लाइक अ ग्लव, और उनके ऊपर कुछ प्रोडक्ट लगा रहता है. उन प्रोडक्ट्स के अंदर हाइलुरोनिक एसिड पाया गया, उन प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन सी पाया गया. आपके हाथों को वो डी टैन करते हैं, आपके हाथों को सॉफ्ट और सपल बनाते हैं, एंड इट इज़ वन रिजीम दैट अ क्लाइंट कैन ऑल्सो डू ईजिली एट होम. आप घर पे भी इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, आप मार्केट से खरीद सकते हैं, आप अपने घर पे अगर वीकली ये प्रोग्राम करें तो शायद आपको ये एक प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत नहीं है उसके अंदर. दे आर सेफ टू यूज एट होम. आई थिंक दैट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग. इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद. जी बिल्कुल. दोस्तों, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे बॉडी से रिलेटेड और इश्यूज के बारे में और जानेंगे उसके सॉल्यूशन को. सो स्टे ट्यून्ड. After the break, आप देख रहे हैं ब्यूटी मंत्रा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बॉडी ट्रीटमेंट्स के बारे में. तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. मोहित, ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे हैंड एंड यू नो फुट ग्लव्स के बारे में, right. तो इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी हमारे व्यूअर्स के लिए. हैंड एंड फुट ग्लव्स आप ऑर्डर कर सकते हैं एंड यू कैन रियली डू देम इजीली एट होम. उसमें एक क्लिंजिंग एक्टिविटी रहता है. आप एक क्लिंजिंग लोशन या एक क्लिंजिंग जेल से आप अपने हाथ क्लीन कर सकते हैं. उसके बाद इन ग्लव्स को आप पहन के वॉर्म टॉवल के साथ यू नो रैप करके आप 15 से 20 मिनट वेट करते हैं. 99% द वर्क हैज टू बी डन बाय द ग्लव. ग्लव में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट रहते हैं जैसे कि विटामिन सी जो आपके हैंड को एक्सफोलिएट करता है, कुछ एंजाइम्स रहते हैं जो पील करते हैं आपके स्किन को. क्योंकि आप देखते हैं एज के साथ जो वर्किंग वुमेन है, जो लोग बहुत सन में जाते हैं, अगर आप कैप स्लीव्स डालते हैं तो यहाँ के बाद आपके बॉडी का कलर चेंज हो जाता है, राइट? देयर इज अ फेयर कलर एंड सो यू हैव अ टू टोन कलर इन योर हैंड, सो यू हैव टू ब्रिंग बैक द नॉर्मल कलर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज और भी है हैंड एंड फुट ग्लव्स के अंदर कि आपका हाथ का टेक्स्चर दैट हैज टू बी इम्प्रूव्ड. एजिंग के साथ साथ
आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारा स्किन बहुत फाइन हो जाता है यहाँ से, बहुत ही थिन हो जाता है और फाइन रिंकल्स भी दिखाई देने लगते हैं हाथों पर, काफी ज्यादा रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं अगर आपका स्किन बहुत स्लिम हो जाए वहां से. सो हाइलुरोनिक डिपॉजिट इज वेरी गुड. और आपने एक चीज और नोटिस की होगी, दैट इज कॉल्ड द एज स्पॉट्स. हाथों के ऊपर आफ्टर व्हेन यू आर 55-60 यू कैन सी अ लॉट ऑफ एज स्पॉट्स ऑन द हैंड. तो ये एक मल्टीपल बेनिफिट आता है आपको एक हैंड एंड फुट ग्लव्स है जिसमें एलोवेरा है, एलोफेरॉक्स है, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, जिसमें पीलिंग एजेंट है, एंड दे आर वेरी सेफ टू यूज एट होम. उसी तरीके से फुट ग्लव्स आते हैं. सो आई थिंक वंस अ फॉर्टनाइट, 15 दिन में अगर एक बार आप खुद ही समय निकाल कर घर पे अगर ये एक्टिविटी को करें तो आपको किसी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है. आई थिंक मोहित आपने सही तरीके से कहा कि नॉर्मली देखा जाता है जो फिश स्केलिंग हमारे हाथों पे दिखाई देती है विद एज, दैट विल रियली स्टॉप बाय यूजिंग दीस काइंड ऑफ ग्लव्स. यस, दिस इज लाइक अ प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, दिस इज लाइक अ मेंटेनेंस प्रोडक्ट. और आपको रियली मैनिक्योर करवाने के साथ, नेल्स कराने के साथ, एंड देन यू जस्ट नीड टू वेयर दिस ग्लव्स एट होम एंड इजिली यू कैन डू इट फॉर ईच अदर, यू नो. अब यहाँ पर बात आती है नेक एरिया की, right. जो आपने कहा कि विद एज हमारे नेक एरिया के अंदर बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं, क्रीज लाइंस आ जाती हैं जो बहुत ही बुरी लगती हैं. इफ यू आर वेयरिंग अ डीप नेक ब्लाउज और टॉप, इट लुक्स रियली बैड. तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? अगेन आप चाहें तो आप इसको घर पे टैकल कर सकते हैं. अगर आपका सिचुएशन बहुत बैड नहीं है, अगर आपकी जो क्रीसेज हैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं आई हैं, दैट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट विद दिस ट्रीटमेंट. और दिस ट्रीटमेंट्स अगेन इनको कहते हैं नेक एंड डेक पैच. एक स्मॉल एनवलप के अंदर आपको पैचेस मिलते हैं एंड दे आर अगेन पीलिंग एजेंट्स. मगर इनके साथ दो चीज़ें हैं, ये पील करते हैं स्किन को और साथ ही साथ फर्म करते हैं. सो आपको फर्मिंग बहुत ज़्यादा महसूस होगी, आपको ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हीटिंग का एहसास होगा. हीटिंग का एहसास होने से यहाँ पर एक्सेसिव फैट जो है उसको मेल्ट किया जाता है. इट इज अबाउट अ 40-मिनट ट्रीटमेंट. आप चाहें तो आप एक कंसल्टेंट से करवा सकते हैं, आप एक क्लिनिक में करा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इनको घर पे भी किया जा सकता है. दे आर अगेन वेरी सेफ ट्रीटमेंट एंड यू डोंट नीड सुपरविजन ऑफ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट टू डू दीज थिंग्स. मोहित, जब हम एक खूबसूरत बॉडी की बात करते हैं तो एक जो सबसे बड़ा सवाल होता है इन फ्रंट ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन, क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी शी गेट्स लॉट ऑफ स्ट्रेच मार्क्स अराउंड हर यू नो टमी एंड दैट इज अ बिग प्रॉब्लम टू हर. तो इसका कोई सोल्यूशन मौजूद है? पोस्ट प्रेगनेंसी सबसे पहले तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से क्लियरेंस लेना चाहिए कि व्हेन इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट हर ट्रीटमेंट फॉर द बॉडी. 3 to 4 months आफ्टर डिलीवरी, 5 months, इट टोटली डिपेंड्स. आपको गायनेकोलॉजिस्ट जब परमिशन देती है, दो या तीन तरीके के ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं. देर कैन बी अ होम ट्रीटमेंट. मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि इमिजिएटली जब आप प्रेगनेंसी के बाद ये ट्रीटमेंट शुरू करें, यू शुड स्टार्ट विद अ होम ट्रीटमेंट. होम ट्रीटमेंट में कुछ आयोनिक ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाता है जिनको आप माइल्ड स्क्रबिंग नहाने से पहले रोज अपनी बॉडी पर यूज कर सकते हैं स्ट्रेच मार्क एरिया पे. हमने लेमन एसिड के बारे में बात किया, लेमन एसिड शावर जेल्स जो आपकी बॉडी को रेगुलरली पील करते हैं, और कुछ फर्मिंग लोशंस. ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आप रेगुलर रूटीन में घर पे यूज करें. व्हेन यू आर इन पोजीशन टू कम टू अ क्लिनिक, तो हम रेकमेंड करते हैं कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोग्राम्स जो बॉडी को इमिजिएटली फर्म और टाइट करते हैं. सो दोज कैन बी गुड ट्रीटमेंट्स जो आप घर पे नहीं कर सकते हैं. डेफिनेटली यू हैव टू कम टू एन एक्सपर्ट, टू अ क्लिनिक. सो रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट्स आर पॉपुलर ट्रीटमेंट्स फॉर पोस्ट प्रेगनेंसी. दे कैन डू वेरी गुड शेपिंग फॉर सेलुलाइट एंड स्ट्रेच मार्क्स. और साथ ही साथ आप माइक्रोडर्मा एब्रेशन जो आपका एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट इन कॉम्बिनेशन टू रेडियो फ्रिक्वेंसी कर सकता है. सो आई थिंक पोस्ट प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट्स कैन बी रियली टेकन केयर ऑफ. आई थिंक फ्रेंड्स, अब पोस्ट प्रेगनेंसी जो स्ट्रेच मार्क्स हैं या जो वेट गेन है, दैट कैन बी टैकल्ड वेरी नाइसली विद द न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल इन द मार्केट. आई थिंक मोहित, आज जो आपने जानकारी दी है, इसके बाद में एवरी पर्सन सिटिंग आउट देयर वॉचिंग आवर शो विल बी हैविंग अ वेरी ब्यूटिफुल बॉडी, अ बॉडी विच कॉम्प्लीमेंट्स देयर फेस. ऑफ कोर्स. एंड आई नीड टू थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू दिव्या. दोस्तों, आज हमने जाना कि आपकी बॉडी आपके चेहरे को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, इसलिए आपको अपने शरीर का भी उतना ही ध्यान देना होगा जितना आपको अपने चेहरे का ध्यान देना होता है. अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई क्वेरी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053. हमारा फोन नंबर है 02266910096. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं mail@careworldtv.com पर. हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com.
Now it's time to say you goodbye. हम मिलेंगे ब्यूटी मंत्रा के नए एपिसोड में बहुत सारी नई जानकारियों के साथ में. So till then, please stay beautiful and happy.